हेलो मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इन क्लास 8 एक्सरसाइज 6.3 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। ये क्वेश्चन इज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन। इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको नंबर था, उसमें था कि फाइंड द नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, और इसमें है बाय विच नंबर शुड बी डिवाइडेड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। जो नंबर है उसको किस नंबर से डिवाइड कर दें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट 252। आई थिंक क्वेश्चन इज सेम जो ग्रुप में था फर्स्ट पार्ट, वही सेम के लिए लेट्स से इज प्राइम फैक्टर्स 252 के प्राइम फैक्टर्स जैसे आप निकालते हैं रिगार्डिंग के ठीक है 6 2 6 3 3 21 3 7 1 देखिए 2 2 3 3 7। अब अगर आप ये जो कॉमन सेंस कि परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए पेयर होना चाहिए, सबका पेयर होना चाहिए, यहाँ पर देखिए 2 का पेयर है, 3 का पेयर है, 7 का पेयर है, ये क्वेश्चन बाय विच नंबर इट शुड बी डिवाइडेड, किससे डिवाइड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। 2 का पेयर है 2 का और 3 का, अगर ये 7 ना है तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता, ठीक है। देखते हैं इसको डिवाइड करके देखते हैं 2 × 2 × 3 × 3 × 7 ये था नंबर आपका, इसको हम 7 से डिवाइड कर दे रहे हैं। अब क्या हो रहा है 2 × 4 × 3 × 9 36 का नंबर। अब ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है आपको पता है, 36 मतलब तो सिंपल ना, ये तो है 2 × 2 × 3 × 3 जो नंबर जो प्राइम फैक्टर जिसका पेयर नहीं है उसी से इसको हम डिवाइड करेंगे, बस लास्ट में जो बच रहा है उसे डिवाइड कर रहा है। तो रिमेनिंग क्वेश्चन आपका होमवर्क है, होमवर्क सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6 और दैट्स ऑल, सी यू टुमॉरो, थैंक यू।